केडीए मजदूर यूनियन के सरपरस्त आला अब्दुलमतीन शेख का कहना है कि अफजाल अहमद सिद्दीकी मरहूम की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। केडीए मजदूर यूनियन की जानिब से सदर अफजाल अहमद सिद्दीकी मरहूम को खराज तहसीन पेश करने के लिए ताजियती जलसे के इनेकाद के मौके पर केडीए मजदूर यूनियन के सरपरस्त आला अब्दुलमतीन शेख का कहना था कि केडीए मजदूर यूनियन के सदर अफजाल अहमद सिद्दीकी नहायत मुखलिस और मिलनसार इंसान थे। आज हमने इस लॉकडाउन के अंदर हमारे महरूम सदर जनाब मोहम्मद खान साहब को मंजूर किया था, मोहम्मद अफजल भाई के लिए मंजूर किया था और दीगर जितने भी जो हमारे साथी के लिए के गुजर गए उनके लिए भी, और जो हमारे फरीद साहब थे उनके लिए भी, फरीदी साहब थे उनके लिए, अतर भाई की बीवी के लिए और इम्तियाज़ नकवी साहब के लिए जो भी फाइनेंस के थे उनके लिए, अल्लाह ताला उनके आसान फरमाए, उनके मामला को आसान फरमाए, उनके घर में जो परेशानी थी वो दूर फरमाए और केडी मजदूर उनकी खिदमत को कभी भी नहीं भूलेगी और जितने भी हमारे महरूम हैं इंशाल्लाह उन सबको रहमत और बरकतों से नवाजे। केडीए मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी अशफाक अहमद चिश्ती व दीगर ने बताया कि तो ये ताज़ियती इजलास बुलाया गया और अफजाल भाई के लिए दुआ की गई। ये मतीन साहब ने बहुत तारीफ की, वो वाकई इतना ही अच्छा इंसान था जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन कुल नस्ल ज़ायक़तुल मौत जाना सब ने अल्लाह ताला लेके जाना सर, लेकिन अल्लाह ताला उनकी मुख्तार फरमाए, उनके लवाकिन को सब लता फरमाए। अरे सदर मोहम्मद अफजाल हुसैन जिनका इंतकाल हो गया था, अफजाल भाई का हमारा 35 साल का साथ था और मरहूम की नहायत खिदमत थी, अपने प्लेटफॉर्म से बहुत ही मुखलिस आदमी थी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मजदूरों के लिए बेशुमार खिदमत दी है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत अल-फिरदौस में तो नफसी ज़ायफ़तुल मौत, तो जाहिर है कि मरना हर एक ने है मेरे भाई। और दूसरी बात कि हमारे स्लीप सेंटर में बाज लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि जनाब अली कोरोना फैल गया, बीमारी है जरूर है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन इस तरह भी खौफ ना फैलाएं कि लोग जो है ना मतलब ये कि इससे भागे। जबकि ताज़ियती जलसे के आखिर में मरहूम अफजाल अहमद सिद्दीकी मरहूम की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआए मगफरत भी की गई। अफाक अहमद सिद्दीकी M7 सिटी न्यूज़ कराची।